नमस्कार, स्वागत है आपका एमबीसीएन की खास पेशकश खास मुलाकात में। दोस्तों, हम कुछ ना कुछ प्रोफेशन में हम हमेशा रहते हैं, लेकिन जब हम उस प्रोफेशन में कला का भी जब तड़का देते हैं तो वो प्रोफेशन कुछ और ही मायने रखता है। जी हाँ, आज हमारे बीच जो शख्सियत यहाँ मौजूद है वो है श्री विपिन तलवेकर जी, जो कि डिजाइन इनसाइट के MD हैं। और मैं आपको उनसे रूबरू तो कराता ही हूँ और मैं उनसे जानना भी चाहूंगा कि आपकी जो ये आर्किटेक्चरशिप की जो जर्नी रही है वो भी हमारे दर्शकों के साथ में बिल्कुल वो साझा करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू विपिन जी। हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ में खूबसूरत प्रोफेशन को आपने अब तक कैसे निभाया, आपकी जर्नी थोड़े से हमारे साथ में साझा की। जरूर, सबसे पहले थैंक यू आपको, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। देखिए, प्रोफेशन जो भी अपन वर्किंग करते हैं जी, अगर आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट है और उसमें आपको एक प्रॉपर रिटर्न्स मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन वर्क का, सो दैट वो सेटिस्फेक्शन हमारे फील्ड में बहुत अच्छा है। अगर एज आर्किटेक्चर आप जब किसी का घर डिजाइन कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो मिलता है फाइनल, जो आपके एफर्ट्स है उसी एफर्ट्स के आधार पर आपको रिजल्ट मिलते हैं, और उसी के आधार पर जब मोटिवेशन फील होता है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमने जब लाइफ में अपना वर्किंग स्टार्ट किया जी, तो जिस तरह के प्रोजेक्ट आते गए, जैसे हमने पहले इंटीरियर पे काफी फोकस किया, अभी भी काफी इंटीरियर चल रहे हैं, देन बंगलोज पे फोकस किए, फिर बंगलोज में इम्प्रूव होते गए डिजाइनिंग, और उसके बाद में क्लाइंट का जो रिस्पांस था उससे ज्यादा प्रोजेक्ट बढ़ते गए। जी, मतलब इंडिविजुअल कुछ फ्लैट्स होंगे, फिर बंगलोज होंगे, फिर वहां कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और तो एक क्लाइंट ने जो जब दूसरे को रेफरेंस देते थे, उसको हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट है हमारे लिए। ऑफ कोर्स, मैं जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पार्ट जो यूज किया ना, वर्ड वो पर्पस वही है, अगर सेटिस्फाइड है लोग तो वो डेफिनेटली अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड सर्कल में सजेस्ट करते हैं कि आप डिजाइन इनसाइट से वर्किंग करवाइए, क्योंकि और वर्किंग करते समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ जी, इनफैक्ट सिर्फ मैं अच्छा काम करने से मेरी टीम कितना अच्छा काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये जो हम देखिए, एक छोटी चित्रकारी करना और एक घर को, मतलब कि हम कि हमारा भी कोई ना कोई सपना होता है कि हमारा एक सुंदर सा घर हो और हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन उस इमेजिनेशन को मूर्त स्वरूप देना हमारे सबके, हमारे आम आदमियों के बस की बात नहीं थी। उसके लिए लगते हैं एक ऐसी शख्सियत जो हमारे उस कला को, हमारे जो इमेजिनेशन को मूर्त रूप दे सके। हर बार आप जब ये करते हैं तो आपको बड़ा एक चैलेंज रहता होगा कि पहले तो जो पहले किया है उसका रिपीटेशन ना हो। राइट, ये हमेशा एक चैलेंज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये होता है कि क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन और उनका जो लैंड साइज है या उनका जो इंटरनल बंगलो या फ्लैट का जो साइज है उनका, उसमें सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तो वो सबसे बड़ा टास्क होता है। तो हम लोग डिजाइनिंग में, डिटेलिंग में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इनफैक्ट हम लोग जो हमारी टीम है डिजाइन साइज की, उनको भी बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कैसे हो रहे, कैसे यूज करना, मैक्सिमम स्पेस यूटिलिटीज कैसे रहेगा, और सभी लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से रिलेटेड हम लोग उसमें काफी डिटेलिंग करते हैं, और हमारी टीम को भी हर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, बता के रखते हैं सारी चीज। बिल्कुल विपिन जी, जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक आर्किटेक्चरशिप या कला की, तो आपने नाम रखा है डिजाइन इनसाइट, तो क्या मैं ये समझूं कि जो कला हमारे अंदर से आती है, जो इमेजिनेशन अंदर से आता है, उसको मूर्त रूप देने का जो क्रिया है उसको हम बोल रहे हैं डिजाइन इनसाइट, या क्या इसके पीछे धारणा थी कि हमने ये नाम रखा? डिजाइन इनसाइट का सबसे पहला पार्ट धारणा यही थी मेरी जी, जब लोग मैं काम स्टार्ट किया एजुकेशन होने के बाद जी, जी, तब ये मेरा नाम फाइनल नहीं हुआ था जी, मैं डिजाइनिंग करता था, प्लानिंग, सैंक्शनिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर सारे काम करता था, बट जब मुझे ध्यान में आया, जब मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करते गया जी, तो स्टार्टिंग में तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग था उनसे, और वो घर सबके लिए सपना होता है जी, बिल्कुल, और वो उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है या उनका सपना होता है लाइफ टाइम का, जिसके लिए वो बहुत एफर्ट्स लेते हैं, और एक इंटरनल सबके सपने अंदर से निकलते हैं जी, कि आपका ऐसा होना चाहिए, इंटरनल फीलिंग होती है बेसिकली उनके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या पूरा फैमिली से रिलेटेड, तो फिर वो इनसाइट वर्ड मुझे क्लिक हुआ, एक इंस्पायर्ड लगा, इंस्पायर लगा, तो डिजाइन तो साथ में था ही था, तो हमने इसको डिजाइन इनसाइट स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने डिजाइन इनसाइट फर्म मैंने स्टार्ट किया।
ये डिजाइन इनसाइट का दायरा कहाँ तक है, मतलब सिर्फ नागपुर में है, विदर्भ में है, या इसके बाहर भी हम लोग का दायरा बढ़ा हुआ है? जरूर, डिजाइन से दायरा काफी बड़ा हुआ है और आगे बढ़ भी रहा है। मेन ऑफिस तो अपना नागपुर में ही है, हेड ऑफिस, उसके अलावा पुणे में है, रायपुर में है, और उसके अलावा मैक्सिमम तो ऑल इंडिया में प्रोजेक्ट होते हैं अपने जी, पर पुणे, रायपुर, नागपुर ये तीन सिटी में इनहाउस ऑफिस है, बाकी जगह ऑनलाइन वर्किंग चलता है पूरा। अब तक के कितने प्रोजेक्ट आपने कमर्शियल किए होंगे, उसके बाद में आपने कुछ हाउसेस किए होंगे, तो कैसे क्लाइंटेज रहे हैं आपके? अभी तक तो हमने 650 के आसपास प्रोजेक्ट किए हैं। वेरी गुड। ऑलमोस्ट हमने 55-70 के आसपास फ्लैट स्कीम बनाई है, और 250 के आसपास मैंने बंगलोज बनाए हैं, और 200-250 के आसपास असल में इंटीरियर बनाए हुए हैं, फिर कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, उसके बाद में डेस्टिनेशन मैरिज हॉल है, फॉर्म हाउस डिजाइन है, तो अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट वाइज काफी डिजाइन करते हैं। एक चीज होती है विपिन जी, कि जब हम किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं और वो उसके लिए एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन तो होता ही है, लेकिन सोशियली भी उसको जब अक्लेम होता है, हमने सुना भी है, देखा भी कि डिजाइन इंसाइट को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, काफी सारे रिकॉग्निशन भी मिले हैं, तो ये रिकॉग्निशन और अवार्ड्स की जर्नी कैसे रही, जरा हमारे दर्शकों के साथ में साझा कीजिए। रिकॉग्निशन और अवार्ड्स तो काफी मिले जी, तो उसके लिए सभी श्रोता को धन्यवाद, क्योंकि सब लोग पसंद कर रहे हैं इसीलिए वो अवार्ड्स आ रहे हैं, और पसंद करने का जो रीजन है वो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। और डिजाइनिंग पे हमेशा हम कोशिश करते हैं कुछ नया कंसेप्ट आए, नए कॉम्बिनेशंस, नया ट्रेंड, हमने काफी बार कोशिश किया है कि नए कंसेप्ट में नए डिजाइन बनाने का, उसी का आउटपुट है कि डिफरेंट पैटर्न्स हम बना पाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे 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 हम न्यू एरास की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो वैसे वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट भी बदलती जा रही है। हम थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल, थोड़े से कुछ तो ऐसा भी है कि मैं वेस्टर्न स्टाइल भी के भी बात करूंगा, ट्रेडिशनल भी होते हैं, और अब तो ऐसा जमाना हो गया कि लोग पुरानी जो है, जैसे गांव वाव का जो एक लुक है, वो भी अपने घरों में चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। हमने उस टाइप के बनाए हुए बंगलोज कुछ, यानी कि आपको वाड़ा जैसा फील है। जी जी बिल्कुल, और हवेली का लुक है, और कुछ मॉडर्न टेंटी भी बंगलो बनाए, काफी ट्रेंडी, ऐसे बहुत सारे सबके अलग अलग रिकॉर्ड वाइज हमने बनाए हुए। विपिन जी, एक इंडिविजुअल घर को आर्किटेक्ट करना और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को आर्किटेक्ट करना, इन दोनों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? जब इंडिविजुअल घर बनाते हैं हम लोग, हम थोड़ा सा इमोशनल और फ्यूचर प्लानिंग पे प्लान करते हैं जी, उनके जो इमोशंस है वो 100% होते हैं। बहुत आपने बहुत ही उम्दा बात की, तो वो बात हमको पकड़नी पड़ती है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो इमोशंस के साथ जी, उनके फ्यूचर प्लानिंग। आप घर आज भले ही बना रहे, लेकिन आफ्टर 5 या 10 या 15 ईयर आपका रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो भी आपका उसी घर के प्लानिंग में एडजस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, इसको हम ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब आज भी आपने जो घर बनाया 5 साल के बाद में वो भी वैसे की वैसे तरोताजा लगे। हाँ, आपके जो रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्यूचर जी, में जी, वो भी फुलफिल हो। वेरी गुड। और कमर्शियल पे हम कैलकुलेटेड रहते हैं बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन वाइज कैलकुलेट होते हैं, एलिवेशन से या बजट वाइज कैलकुलेट, क्योंकि जब कोई बिल्डर को रिक्वायरमेंट उनका होता है फ्लैट स्कीम या कमर्शियल फ्लैट बंगलो फ्लैट स्कीम बनाने का जी, तो वो हमको इमोशंस के साथ साथ हमको ये लिखना होता है कि जो भी लोग वहाँ यूज करें प्रोजेक्ट वो वास्तु अकॉर्डिंग सही रहे जी, और उनको उसमें बजट कैलकुलेशन काफी ज्यादा कैलकुलेट होता है। हम सबके जीवन में विपिन जी, जब हम कोई भी हमारा क्षेत्र चुनते हैं, कमर्शियल हो या आर्ट हो, और जब हम प्रोफेशनल चुनते हैं, तो कोई ना कोई हमारे लाइफ में एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व रहता है, तो आपके भी कोई होंगे? बिल्कुल है, तो वो हम जानना चाहेंगे। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, एक्चुअली मेरे घर का बैकग्राउंड ही ऐसा था कि सब इंजीनियर थे पापा तो सब टेक्निकल फील्ड से, यानी जो मेरे बैच के जो है, जैसे मेरे बड़े भाई, मेरे मामा जी, मेरे कजन, तो पापा मेरे प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए, इनफैक्ट 15-12 ईयर्स हो चुके उनको जी, तो उस वक्त मैं, मेरे बड़े भैया जो थे वो भी सिविल इंजीनियर थे जी, तो उनके साथ साथ मुझे वो बैकग्राउंड मिल गया था कि इसे उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया जब मैं 11th-10th में था, तभी उनका कॉन्ट्रेक्टरशिप के या डिजाइनिंग प्लानिंग एज ए आर्किटेक्ट को प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, और उसी दौरान मैंने एलिवेशन डिजाइनिंग में करता था उस वक्त, यानी मैं 10th standard से डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया वर्किंग, तो अब वो इंटरेस्ट आता चला आता गया। चला गया, यानी मेरे जो मामा थे वो भी, उनका इच्छा भी कम था, तो मेरे भाई से जैसे थोड़े बड़े थे जी जी, तो वो भी सिविल इंजीनियर थे, तो उनके फ्रेंड सर्कल्स और मेरे भाई के, बड़े भाई के जो फ्रेंड सर्कल थे, तो उस वक्त एक्चुअली 3D Max जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, 3D View का जी, तो मैं 10th standard से ही 3D elevations डिजाइन करने करता था,
इनफैक्ट मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में तो मेरे यहाँ क्लासेस चलती थी आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग की, जबकि मेरा आर्किटेक्चर होने का बाकी था, पर क्लासेस चलती थी तो जो स्टूडेंट्स थे वो सारे सिविल इंजीनियर्स या भी डिप्लोमा इंजीनियर्स इस टाइप के स्टूडेंट रहते थे, उनके साथ साथ मैंने भी आगे प्रोसेस कर लिया। उस वक्त डिग्री नहीं थी लेकिन आप पूरी तरह से आर्किटेक्ट बन चुके थे। पूरी तरह से नहीं बोल सकते, मेरा बेसिकली वो वर्किंग स्टार्ट हो चुका था। हाँ, मतलब उस कला में आपको इंटरेस्ट आना और वहां से आपने काम करना चालू कर दिया। एक डिग्री लेने के बाद में हमें जो प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो आपकी डिग्री से पहले चालू हो गई थी? पहले चालू हो गई थी, डिग्री में मैंने जॉब भी किया उस जगह पे, तो खुद के प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए धीरे धीरे, कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला जी, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग से एंड तक सारा नॉलेज था। मैंने प्लम्बिंग का भी काम रहे, चाहे इलेक्ट्रिकल का रहे, चाहे कंस्ट्रक्शन का रहे, तो टेक्निकल नॉलेज भी था और ऑन साइट नॉलेज भी था। एक मेरे अंदर से जो सवाल आया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एमडी हैं और आप खुद आर्किटेक्ट हैं, तो जब आपके साथ में क्लाइंट बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनकर भी उनसे उनको ट्रीट करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, कभी कभी कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो उनके रिक्वायरमेंट वाइज नहीं होती जी, यानी एक्चुअल में जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो न प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती स्पेस के अकॉर्डिंग जी जी, तो उनको मुझे थोड़ा सा कन्विंस करना होता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए तो आपको फ्यूचर में जब आप घर बन जाएगा तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसका मतलब ये कि मतलब वो उनको भी लगे कि भैया ये घर जो बना रहा है उसमें आप भी उस घर में एक हिस्सेदार है, मतलब उस घर का एक हिस्सा है, ऐसा करके आपको क्लाइंट को ट्रीट करना पड़ता है। एक अहम सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक यंग जनरेशन है, आपने काफी यंग एज में ये सारा बिजनेस शुरू किया और आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, सारा अचीवमेंट आपकी एक तो प्रेरणा है और दूसरा आपकी खुद की मेहनत है, दूसरा आपकी टीम है। आज की यंग जनरेशन कई बार हम देखते हैं कि वो ये तय नहीं कर पाती कि उन्होंने भविष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए, तो आप कैसे उनको गाइड करेंगे, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि उन्होंने एक भविष्य निर्धारित करने से पहले क्या चूज करना चाहिए? क्या चूज करना चाहिए ये तो वो डिसाइड कर जी, जिनका जिनको जो भी फील्ड में जाना जी, जी। बस मैं एक ही चीज आप उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे जी या जो भी डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये बनना है या ये जॉब करना है या ये वर्किंग बिजनेस करना है, उसमें आपको कंस्टेंटली एफर्ट्स लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और एक ही ऑप्शन है अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो एफर्ट्स। विपिन जी, ये इस दौरान हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली, तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कई अड़चने भी आई होंगी? हाँ, अड़चने भी आई है, पर मेरा साथ जो लोग हैं, मेरी टीम या मेरी वाइफ जी, फैमिली, तो इनका सबका सपोर्ट मुझे इतना अच्छा रहा है कि कभी मेरा मुराल मुझे डाउन नहीं होने दिया इन्होंने। तकलीफें तो हुई है, सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, पर वो आसानी से सॉल्व होते गए, क्योंकि सब प्रॉब्लम आता है तो बाकी कुछ नहीं सोचता, बस प्रॉब्लम को फेस करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है और आगे बढ़ना है। मतलब हम लोग ये कहें कि हम प्रॉब्लम्स तो आएंगे लेकिन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने से अच्छा उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें, तो हमको रास्ते आसानी से मिल जाएंगे। आर्किटेक्ट का भारत वर्ष के हिसाब से आप क्या भविष्य देखते हैं? बहुत अच्छा भविष्य है, फ्यूचर में बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा है और आने वाले, क्योंकि इंडिया में बहुत स्कोप है डेवलपमेंट के लिए जी, सबसे ग्रोइंग कंट्रीज के इसमें लाइन में अपने है अभी इंडिया, और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे मेट्रो ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, ऐसे बहुत सारे नए एक्टिविटीज इंडिया में रिक्वायरमेंट है जो आने वाली है फ्यूचर में जी, तो उसके लिए अच्छे आर्किटेक्ट की टीम को डेफिनेटली लगेगी जी। विपिन जी, एक सवाल मेरे जहन में एक और आया कि जैसे आपने अपने प्रेरणा स्रोतों के बारे में जानकारी बताई, लेकिन शादी के बाद में इसके मायने बदल जाते हैं, तो क्या आपकी अर्धांगिनी भी इस प्रोफेशन में आपको आपके प्रोफेशन के साथ में शामिल है या कुछ उनका और अलग प्रोफेशन है? नहीं, एक्चुअली उनका प्रोफेशन पहले अलग था जी जी, वो सीनियर कॉलेज में लेक्चरर थे जी, बट हमारा शेड्यूल काफी पैक चल रहा था तो मैंने उसको भी इन्वॉल्व कर लिया डिजाइन साइड में जी, तो हम दोनों जब साथ में काम करने लग गए तो वर्किंग हमारे और इम्प्रूव हो गए, वर्कमैनशिप इम्प्रूव हो गई, प्रोजेक्ट इम्प्रूव हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है उसका। और इंटीरियर का मैंने डिपार्टमेंट वाइज वर्किंग होता है, तो इंटीरियर डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट मेरी वाइफ है निशा, वो संभालती है, और सिविल का मैं संभालता हूँ। चलो, यानी ये काफी विन विन सिचुएशन में काम हो रहा है, और जब दोनों की बॉन्डिंग इस तरह से हो तो उसके रिजल्ट भी और बेहतरीन तो होने ही होने हैं। विपिन जी, आपने ये तो कह दिया कि हम अब यंग जनरेशन जो खुद अपना भविष्य जो है, अपनी दिशा जो है वो चूज करे, लेकिन वो यंग जनरेशन जो आर्किटेक्ट को चुनना चाहती है, डिजाइनिंग को चुनना चाहती है, उनको आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? अगर आप आर्किटेक्ट को चुनना चाहते हैं
डेफिनेटली मैं जरूर कहूंगा कि आप चुनिए, क्योंकि इस फ्यूचर में इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप पर्सनल प्रैक्टिस में जाएंगे तो भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और जॉब करियर में भी काफी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। बहुत सही बात कही आपने। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि खैर हम सबका एक सपना होता है, उस सपने को साकार करने में जब हम अपनी कोशिशें करते हैं, लेकिन उस कोशिशों में उस सपने में चार चांद अगर आप लगाना चाहते हैं तो विपिन तलवेकर जी जैसे हैं शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, जो कि डिजाइन इनसाइट के MD, जिन्होंने आज हमारे साथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमें आर्किटेक्चर उसका कल्चर समझाया, वो कलात्मक समझाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, और उनको, उनकी फर्म को, उनकी टीम को मैं इन विशेष टीम और पूरे दर्शकों की तरफ से शुभकामना देना चाहूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में बातचीत। थैंक यू सर।